और दोस्तों अभी अभी सुबह सुबह दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। 15 जुलाई 2018 से कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट किए जा रहे हैं, जो आपको जरूर जान लेना चाहिए। यहाँ आप देख पा रहे होंगे पहली खबर तो ये कि आज से 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन पर रोक, इस्तेमाल करने पर जेल व जुर्माना दोनों हो सकता है। इसमें पॉलीथीन के साथ में कुछ ऐसे प्लास्टिक कप्स वगैरह और प्लास्टिक की चीजें दी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बड़े काम की है रेलवे की नई सुविधा, प्लास्टिक बैन का समर्थन करते हुए इंडियन रेलवे की तरफ से एक नई सुविधा लागू की गई है, जो हर एक यात्री के लिए बड़ी खुशखबरी वाली बात है। ऐसे में दोस्तों इन दोनों ही लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट को मैं आपको फटाफट से बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखना, वरना आपको काम का नुकसान का भरपाया करना पड़ सकता है। और फिर आप मुझे मत कहना कि यार डीएलएस भाई तुमने मुझे वो खबरें बताई नहीं। बात करें दोस्तों पहली बड़ी खबर और अपडेट की, तो यहाँ आप देख पा रहे रेलवे की तरफ से जो नई इनोवेशन लाया गया है। दोस्तों इस पूरी खबर को जब मैंने पढ़ा तो उसका जो सारांश और कंक्लूजन निकल कर आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन रेलवे के तरफ से देश भर के अंदर 2000 रेलवे स्टेशनों के ऊपर प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीन लगाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि एक ऐसी मशीन लगाई जाएगी जिसमें खाली प्लास्टिक की बोतल जो होती है वो डाल दी जाएगी और वो क्रश हो जाएगी, और वो खाली बोतल डालने के बदले आपको 5 रुपए कैश बैक भी मिलेंगे। इसके पीछे वजह है दोस्तों कि प्लास्टिक बैन का समर्थन करते हुए रेलवे ने वातावरण शुद्धि के ऊपर ये नया नियम निकाला है। जनरली आप देखते होंगे कि ज्यादातर रेल यात्री होते हैं प्लास्टिक की बोतल लेते हैं पानी पीने के लिए और आसपास परिसर में रेलवे स्टेशन के चारों तरफ हर कहीं फेंक देते हैं। ऐसे में कचरा होता है साथ साथ वातावरण को नुकसान होता है। इन दोनों से कमी लाने के लिए रेलवे ने नया इनोवेशन न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत न्यू स्कीम का अपडेट किया, जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर निकल कर आ रहा है। बात करें दोस्तों दूसरी बड़ी खबर और बड़े अपडेट की, तो दोस्तों आज से 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन पर रोक, इस्तेमाल करने वालों पर जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं संडे 15 जुलाई 2018 का 5:30 AM के ऊपर लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रहा है। हेडलाइंस अलर्ट है सभी व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ जो अपडेट देख पा रहे होंगे 15 जुलाई से प्रदेश में पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं पीएम मोदी के आजमगढ़ और वाराणसी दौरे के मद्देनजर। पूरा सरकारी अमला शनिवार को वाराणसी में था और इससे शनिवार को औपचारिक आदेश जारी नहीं हो सका, लेकिन रविवार को यह आदेश हर हाल में जारी हो जाएगा, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ऐसे में दोस्तों आपको अलर्ट और अपडेट चेतावनी दी जाती है कि सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अब 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा और इसके लिए नगर विकास विभाग रविवार को औपचारिक आदेश जारी करेगा। राज्य सरकार इसके लिए अध्यादेश भी लाने जा रही है और इसमें पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाना दंडनीय अपराध होगा। आदेश में पॉलीथीन बनाने से लेकर बेचने व स्टोर करने पर प्रतिबंध होगा, यानी कि ये किराने की जनरल स्टोर वाले लोग होते हैं, ये ना ही पॉलीथीन ग्राहक या कस्टमर को दे पाएंगे और ना ही अपने पास स्टॉक में रख पाएंगे। साथ ही प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलीथीन के सभी तरह के कैरी बैग के इस्तेमाल पर अब जुर्माना लगेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 6 माह तक की सजा होगी। ऐसे में दोस्तों जिस राज्य या स्टेट के लोकेशन की तरफ से नया नियम न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट निकल कर आ रहा है, अगर आप भी उस स्टेट में रहते हैं तो आपको अलर्ट अपडेट और सावधान रहना चाहिए। फिलहाल ये अपडेट और नया नियम यूपी गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर आ रहा है। और दोस्तों आप जीत सकते हैं डीएलएस न्यूज की तरफ से अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। आपको लिखना है सवाल का जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कि भारत के तिरंगे में कितने कलर होते हैं। जो लोग इसका सही जवाब दे पाएंगे वो रैंडमली सिलेक्ट किए जाएंगे डीएलएस न्यूज की तरफ से, और आप जीत सकते हैं मोबाइल कंप्यूटर इंटरनेट टूल गैजेट वगैरह कुछ भी अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट, जिसका गिव अवे हम कमेंट बॉक्स में से रैंडमली यूजर सेलेक्ट करके करते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट न्यूज और हर एक काम की खबर से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।